वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? आज फिर से हाजिर हूँ टीम द हर्बल हब की तरफ से एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ विद व्हाइट बोर्ड। तो आज का जो टॉपिक है, वैसे तो आपको बोर्ड पे दिख ही गया होगा कि क्या लिखा है, कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, अभी आप आज ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा अजीब भी लगेगा कि हर कोई जो है वो कोलेस्ट्रॉल को जो है बता रहा है कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जो ये तो हर कोई अवेयर है कि एक हमारे पास LDL लेवल होता है, एक HDL लेवल होता है। LDL का तो हमेशा ही बैड कोलेस्ट्रॉल कहा गया है, तो ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है ये अच्छा कैसे हो गया? तो चलिए बताती हूँ इस टॉपिक में कि क्यों जो हमारा LDL लेवल है ये भी बॉडी के लिए होना ज़रूरी है। हर कोई ये कहता है LDL लेवल को कम करो, कम करो, कम करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जो LDL लेवल है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम LDL लेवल को ही ख़त्म कर देंगे तो जो हमारी बॉडी की सिक्योरिटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जो हमारा नर्वस सिस्टम है या हमारी जो नसें हैं उसकी रक्षा कौन करेगा भाई? तो इसलिए LDL लेवल का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट। बाकी पॉइंट्स मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी जो डिमांड है हमारी बॉडी की, ये पूरी करता है लीवर। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, जो भी हम फूड दिन में खाते हैं, उसके उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो जो लीवर है वो अकॉर्डिंगली डाइजेस्ट करता रहता है। जितनी हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की डिमांड है और जितना फूड हम खाते हैं उसमें से, कई बार तो हम इतना ज़्यादा फूड खा लेते हैं, मतलब ऐसा फूड खा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है जितना हमें पियरमेंट उसकी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन 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 मैं इसमें एक पॉइंट आपको सही कर दूँ कि जो LDL लेवल है वो हमारे लिए उतना ख़तरनाक नहीं है जितना आप सब लोग इसको अपने ऊपर हावी कर लिया है कि LDL लेवल हमारा जो है इतना होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो होना चाहिए। लेकिन कितना लो होना चाहिए वो भी मैं आज आपको इस टॉपिक में जो है वो क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले आपको पता चल गया है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल की डिमांड क्या है, हमारा लीवर। सो सबसे पहले आपके लीवर को स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है क्या क्या फूड आपको खाने चाहिए वो भी मैं आपको इन द एंड ऑफ द सेशन ज़रूर बताऊंगी। तो जुड़े रहिए द हर्बल हब के साथ। चलिए फटाफट से अब मैं आज आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये एक मोम जैसा एक पदार्थ होता है, जैसे वो मोम होती है ना जो लाइक कैंडल वैक्स जिसे बोलते हैं, वो जो है उस तरीके का ये एक पदार्थ होता है। तो उसमें होता क्या, ये हमारी बॉडी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं या कई तरह के जो हमारे सेल्स हैं या हमारी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हो जाती है, वो ये चीज़ें जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना ये उसको पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो भी बॉडी के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले सबको ये पता है कि कोलेस्ट्रॉल इज ऑफ टू टाइप्स। तो इसकी जो टू टाइप्स हैं, पहली है हमारे पास HDL और दूसरी है हमारे पास LDL। HDL को हम गुड मानते हैं और जो LDL है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि हम HDL LDL की बात कर रहे थे, तो जो HDL लेवल है ना, जब भी हमारी बॉडी में जो HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है हमारी बॉडी में से, तो हमारा जो खून है, बॉडी का जो ब्लड है, वो जो फ्लो है उसका, वो रुक जाता है, वो जम जाता है, क्योंकि HDL की लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अगर LDL हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जितनी नियरमेंट हमारी बॉडी को चाहिए अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी जो हमारी बॉडी का खून है वो जमना शुरू हो जाता है। अभी देखिए इसका लेवल कम हुआ तो भी जो हमारा ब्लड फ्लो है वो क्या हुआ, जमने लग गया। ठीक है, खून जो है वो जमने लग गया, ब्लॉकेजेस होने लगी, हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, हमारी आर्टरीज जो है वो प्रॉपर ब्लड को है वो हार्ट तक नहीं पहुँचा पा रही, हमें चेस्ट में खिंचाव महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं। तो जो LDL लेवल है अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना लिमिटेड हमारी बॉडी को चाहिए वो कितना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी हमारा जो ये ब्लड फ्लो है इसका कम होना और इसका हद से ज़्यादा बढ़ जाना, ये हमारी बॉडी में खून को जो है वो जमा देता है, ब्लड को जमाता है, इसलिए जो है हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो अगर अब हम बात करें कि HDL लेवल और LDL लेवल क्या है,
क्या है इसके नाम, और जो हमारा LDL है और HDL है इसको क्या बोलते हैं। तो HDL की जो फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। जो हमारा HDL है वो है हाई डेंसिटी, HDL इज हाई डेंसिटी, और LDL हमारा हो गया, LDL हमारा हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब एक तरीके से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो HDL हो गया हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम गुड बना बोलते हैं। LDL हो गया हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन जिसको हम बहुत ज़्यादा बैड मानते हैं। तो सबसे पहले कि अब मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो हमारा LDL है ना, ये हमारी बॉडी के लिए पूरी तरह से जो है वो खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है। क्यों डेंजरस नहीं है? क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो नसें हैं ना उसकी रक्षा करता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स है ना उसको डैमेज होने से बचाता है। तो अगर ये ही खत्म हो गया हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी ऑफ सेल्स है, सेफ्टी ऑफ नर्वस सिस्टम है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम तब भी जिंदा नहीं रह सकेंगे अगर हम ये कहें कि LDL खत्म हो जाए, बस HDL हमारी बॉडी में भर भर के भर जाए, तो ऐसे नहीं होगा। इससे भी आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक भी चीज़ कम या हो जाए या बढ़ जाए तो हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, खून हमारी बॉडी में जमना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टोटल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो होना चाहिए 150 mg/dL। इसकी मात्रा अगर इतनी है तो हम जो है बिल्कुल हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें से अगर 120 mg किसी का आ रहा है रीडिंग, जब उन्होंने किसी ने चेक कराया, तो इट मीन्स जो है आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो लो हो रहा है। और वो लो किसमें हो रहा है? वो HDL में भी हो सकता है, वो LDL में भी हो सकता है। तो इसको बड़े अच्छे से जो अपनी रिपोर्ट को डायग्नोज करवाइए, एनालाइज करवाइए कि आखिर किसमें प्रॉब्लम है। अगर HDL में प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली जो डाइट स्टार्ट कीजिए। अगर LDL की प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता दूँ कि हमेशा सबका जो है वो HDL लेवल ही जो है वो कम नहीं होता, LDL लेवल भी कम हो जाता है। और बहुत ज़्यादा कम हो जाना या LDL लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत खतरनाक है। इसलिए तो जो है अपनी जो डाइट है अपने अच्छे से शेड्यूल करनी शुरू कीजिए। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि LDL हमारे लिए खतरनाक नहीं है, मैं बार बार ये बोल रही हूँ। तो ये हमारी है टोटल रीडिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें से अब ये तो हो गया, अगर 120 है तो आपको एक बार जो है अपना प्रॉपर जो है डाइट शेड्यूल करवानी चाहिए। अगर इसमें से जो आपका LDL लेवल है, जो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो होना चाहिए आपका 100 mg/dL। अगर तो वो 100 mg/dL है तो आपकी आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो हार्ट रिलेटेड रिस्क है या स्ट्रोक्स की, आपको ये चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी, बिल्कुल आप खतरे से बाहर हैं। क्योंकि LDL लेवल हमारा जो है वो भी हमारा एक फ्रेंड है। हम क्यों कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इज अवर फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल इज अवर फ्रेंड? तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका HDL लेवल भी गुड है और LDL लेवल भी गुड है। ये LDL बैड कब होता है? जब हम इसकी बहुत ज़्यादा ये एक्सेस हो जाता है, हमारी जितनी बॉडी को इसकी चाहिए उससे हम बढ़ा लेते हैं। वो क्यों बढ़ जाती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर ये 100 mg है तो बिल्कुल परफेक्ट कोलेस्ट्रॉल है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 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 एक और बात नोट कीजिए, अगर ये 50 mg/dL हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत है। अगर LDL हमारा 50 mg चला गया तो हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आएगी? आपको स्ट्रोक्स हो सकता है, मतलब लकवा हो सकता है। फिर आपके जो बॉडी में इलास्टिसिटी लाइक ये चीज़ हो सकती है। फिर क्या हो जाता है कि खिंचाव हमेशा रहता है चेस्ट में, कभी हमें प्रॉपर जो है बैठते हैं उठते हैं तो हमें तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। ये होती है हमारी हार्ट रिलेटेड रिस्क, जो कि हमारे LDL कम होने से हो जाती है। अगर वो 50 mg रह जाए तो घबराने की बात है,
लेकिन फिर भी घबराइए मत, क्योंकि द हर्बल लैब टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। आप कंसल्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी आप लोगों को पता है, और रेगुलर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हम सब जगह पे मौजूद हैं। आप कहीं भी हमें कमेंट करके अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं, अपनी बॉडी के बारे में जानकारी दे सकते हैं और फटाफट से जो अपनी डाइट है वो शेड्यूल करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका बता देती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स हमें महसूस होते हैं जब हमारा एलडीएल लेवल जो है वो कम होने लग जाता है। तो उसके लिए सबसे पहला सिम्टम जो लक्षण है वो है कि जो जैसे कई लोग कुपोषण, कई बच्चे कुपोषण का शिकार है, वेल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, उनमें एलडीएल की कमी आ जाती है। फिर हो जाता है जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म डिसीज़ के शिकार हैं उनमें भी एलडीएल लेवल जो है वो कम पाया जाता है। फिर आ जाता है क्रॉनिक डिसीज़ में आ जाता है आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर का डिसीज़ है, या हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है। फिर आ गया डिप्रेशन में जो लोग बहुत रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। उसके बाद जो कैंसर सेल्स जिनके जो है बढ़ने लग जाते हैं बॉडी में, उनको भी जो जो लेवल है वो कम होने लग जाता है। फिर इसमें आ जाता है आपका कि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं जिनके, या जिनका वेट कम होता जा रहा है, बार बार लो वेट की शिकायत है, तो उनका भी जो एलडीएल लेवल है वो कम होने लग जाता है। फिर आ जाता है बच्चों में, खासकर जिनको मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, या इस लो एलडीएल की वजह से दिमागी तौर से बच्चे जो कमज़ोर रह जाते हैं, वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। फिर इसमें आ जाता है कि स्ट्रॉक हो जाने, में बार बार बता रही हूँ कि लफड़ा हो गया या ब्रीदिंग होनी शुरू हो गई, तो इन चीज़ों से जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें हमारी ना मदद करता है। अगर ये चीज़ें कम हो जाए तो ये वाले लक्षण जो मैंने बताए, इसमें से कोई भी लक्षण आपको लगता है तो तुरंत जो है वो संपर्क करें, अपनी जो है बीमारियों को इग्नोर मत करें। आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक रहेंगे, तभी फैमिली की केयर कर सकते हैं। ये मत सोचे कि मेरे पास तो अपने लिए टाइम नहीं है, मेरा तो शेड्यूल ये है वो है, तो इस वजह से हम कई बार इग्नोर करते करते अपनी बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद जब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तब भी तो घर में सब कुछ फिर उथल पुथल हो जाता है। लाइक कोई शेड्यूल नहीं है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे बेहतर है कि पहले ही अपनी केयर करके साथ में शुरू कर दें, ताकि जो आपके घर की रूटीन है वो एज यूजुअल ही रहे। फिर उसके बाद है कि अब इसमें अवॉइड क्या करना है। सबसे पहले तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को बंद कर दीजिए, टोटली बंद कर दीजिए। फिर इसमें आ जाता है जो लोग फुली डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो तो टोटली मैंने बंद किए हुए हैं सबके, और जो लोग मुझे नहीं सुन रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें से जो डेली हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं वो भी फुली फैट वाले, वो बिल्कुल बंद कर दें। फिर जो मीट लेते हैं वो बंद कर दें। फिर इसमें बटर, चीज़, ये सब चीज़ें जो है उसको अवॉइड करना शुरू करें, क्योंकि हमारे दिन में 7% ऑफ कैलोरीज बहुत होती है, एक लिमिटेड असेस बहुत है। अगर इससे ज़्यादा कैलोरीज हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है ऑब्वियसली वो डगमगाएगी ही, हर चीज़ को कन्फ्यूज़ हो जाएगी, हमारे जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। सो इसमें फिर अगर हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और क्या इंक्लूड करें कि जो हमारा एलडीएल लेवल है वो सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले हाई फाइबर फ्रूट और वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जो हाई फाइबर है, अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हाई फाइबर जो है वो लेना शुरू करें। और जो हमारे टॉप तो फाइव जो मिलट्स हैं, कंगनी, स्वांग, कुद्राम, कुटकी, हरी कंगनी, यानी कि फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, लिटल एंड ब्राउन टॉप, टॉप फाइव मिलट्स, देयर हैव वेरी मच फाइबर, जितना हमें चाहिए उतना ही इसमें से हमें मिल जाता है, तो ये शुरू कीजिए। फिर जो लोगों का एलडीएल लेवल कम होने की वजह से वेट लॉस हो रहा है या वैसे ही वेट लॉस हो रहा है, वो ओट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसकी भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप कंटेक्ट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद आ जाता है आप इसमें नट्स और सीड्स शामिल करें, मैं आपको बता दूँ कि मिक्स नट्स सीड्स वगैरह का आप सेवन कर सकते हैं। हमारे पास ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी अवेलेबल है, जिसमें ओट्स विद हनी के साथ जो है वो रेगुलर मिक्स नट सीड्स प्लस ओट्स प्लस हनी, ये सब एक अलग से मिक्स नट सीड्स है, और ब्रेकफास्ट सीरियल्स में नट सीड्स, ओट्स, हनी, ये सब कुछ आ जाता है, तो आप जो है कॉन्टैक्ट करके जो है वो मंगवा सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है हमारा कि हम रेगुलर बेसिस पे जो है कोकोनट, सेसमे, पीनट ऑयल, ऑयल्स में नारियल का तेल,
तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये रेगुलर जो है एक एक हफ्ते की रोटेशन में रेगुलर खाना शुरू करें। ये जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं कच्ची खाने के, ये रेगुलर हम जो है इनका तड़का भी लगा सकते हैं, इनको खाली पेट ऐसे भी पी सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है आपका कि अपनी जो आपकी डेली रूटीन है, खाने की जो बैलेंस डाइट है उसको शेड्यूल कर लें अगर खुद कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर रेडी ऑलवेज, हमें कॉन्टैक्ट करें तो आपकी जो डाइट है वो हम शेड्यूल करके रेगुलर देंगे। तो ये है छोटे छोटे से नुस्खे कि क्या आप घरों में स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हमसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें, और कैसे अपना शेड्यूल बनाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज, योगा और वॉक, ये तीन चीज़ें कभी मिस मत कीजिए। आपके बच्चे हैं तो अभी से उनको आदत डालिए। मैं बार 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 ये अपने हर सेशन में इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप ये भूल ना जाए कि भाई बच्चों को अभी से आदत डाल लेंगे तो कल को वो जब हमारी आपकी एज में आएंगे तो वो इन चीज़ों को बहुत ही आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे, आपकी जो रिस्पेक्ट उनकी 100% है वो और भी ज़्यादा जो है खुशी महसूस करेंगे उस चीज़ को लेकर कि हमारे पेरेंट्स ने ये चीज़ हमें जो है वो बहुत अच्छी दी है। हम संस्कार तो बच्चों को देते हैं कि बच्चों ऐसे करना है, कि रिस्पेक्ट करो, अच्छे से बोलो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन एक चीज़ उनके संस्कार में और शामिल कीजिए कि उनको एक्सरसाइज, योगा और वॉकिंग की आदत ज़रूर डालिए। तो मिलते हैं एक बहुत बढ़िया सेशन में फिर से वर्ल्ड कोर्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद द हर्बल एंड कीप सपोर्टिंग।